हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यह वीडियो चौथा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी है 27%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20%। 20% इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिलासपुर। बिलासपुर इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी रायपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव। राजनांदगांव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 22%, ऑप्शन डी 24%। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8%। 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए अबुझमांड, ऑप्शन बी भोरमदेव, ऑप्शन सी मायकोट, ऑप्शन डी समरसोत। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा बताओ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भोरमदेव। छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? भोरमदेव है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है बताओ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी सरगुजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है सरगुजा, ऑप्शन बी है राजनांदगांव, ऑप्शन सी है कांकेर, ऑप्शन डी है बस्तर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा बताओ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बस्तर। बस्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? ऑप्शन ए कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है बताओ? इसका राइट आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटस किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है दंतेवाड़ा और ऑप्शन डी है सरगुजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताओ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। बिलासपुर इसका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बादलखोल अन्य है ना। तो इसका ऑप्शन दिया है बस्तर, जसपुर, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताओ? इन चारों ऑप्शन में से बादलखोल जो जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जसपुर में। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सरगुजा, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है रायपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। बिलासपुर इसका राइट आंसर होगा। बिलासपुर में पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है,
भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है जहां भोरम वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कवर्धा। कवर्धा इसका राइट आंसर है। कवर्धा में ही भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए अचानक कुमार, ऑप्शन बी दिया है समरसोत, ऑप्शन सी दिया है सीता नदी और ऑप्शन डी दिया है तमुर पिंगला। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमुर पिंगला। तमुर पिंगला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पामेड़, ऑप्शन बी है भैरमगढ़, ऑप्शन सी है बादलखोर और ऑप्शन डी है उदयदंती। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बादलखोल। बादलखोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है रीवा, ऑप्शन बी है सरगुजा, ऑप्शन सी है बीजापुर और ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बीजापुर। बीजापुर में ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी काजीरंगा और ऑप्शन सी गुरु घासीदास और ऑप्शन डी है कांकेर घाटी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बताओ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी काजीरंगा। काजीरंगा जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी मंड, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महानदी। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा जहां महानदी की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ही महानदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है,